महाराष्ट्र न्यायमंच के अध्यक्ष खान पकरिया आलमत के द्वारा एक दिवसीय धरना आंदोलन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सामने रखा गया। जी हम आपको बता दें कि यह धरना आंदोलन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने गत दिनों भिवंडी शहर के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 25-25 लाख रुपए की पांचवें प्रभाग में निधि का उपलब्ध कराया था, जहां पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने 2.5 करोड़ रुपए की निधि का घोटाला करते हुए नजर आया। ऐसा आरोप लगाते हुए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के समक्ष महाराष्ट्र न्यायमंच के अध्यक्ष खान फकरे आलम ने लगाया। आपको बता दें कि इस एक दिवसीय धरना आंदोलन में खान फकरे आलम, जुबेर मोमिन, मदार खान, पद्मा सोनी, परवीन खान, छाया मधुवाला मड गड्डम, आसिक अंसारी, सुल्ताना मैडम सहित महाराष्ट्र न्यायमंच के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे, जहां उन्होंने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त को एक ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की। आइए देखते हैं क्या कहना है खान फकरे आलम उनके सहयोगी मित्रों का। निजामपुर शहर महानगर पालिका के गेट के बाहर आज महाराष्ट्र न्याय मंच के तहत बैनर तले एक धरना दिया गया। उसमें हमारी अलग अलग मांगें थी। उसमें एक मांग थी जो महानगर पालिका के हमारे महापौर हैं जावेद जलवी साहब, उनके ऊपर 2.5 करोड़ का आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, उसकी जांच हो। 2012 में महानगर पालिका ने एक ही दिन में 347 बिल्डिंग का असेसमेंट किया है, जिसमें लगभग 100 बिल्डिंग अभी तक बनी ही नहीं है, उसका भी असेसमेंट कर दिया है, उसकी जाँच की मांग। और प्रभाग अधिकारी अभी जो मौजूदा प्रभाग अधिकारी है फैसल तातली, उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग बनाई है रहने के लिए उसमें जावक क्रमांक फर्जी है और भी कुछ कागज भी फर्जी है, उसकी जांच की मांग की गई है। ये हमारे फैसल तातली ईमानदार ज़्यादा ही हैं, क्योंकि अभी अभी एक मामला देखने में आया भिवंडी शहर के वंजारपट्टी नाके से थोड़ा सा आगे मेट्रो होटल है, मेट्रो होटल के बाजू में 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है जिनका तोड़ने का आदेश है, मगर वो काम उन्होंने ना करके बाजू में 9 से 10 गाला है, सबको छोड़कर एक ही गाला तोड़ा, जबकि उस गाले पर स्टे है हाईकोर्ट का। तो अभी आपने जो निवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी ये आश्वासन दिया गया है, हमने अपनी तरफ से दिया है कि एक हफ्ते में अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मुंबई आज़ाद मैदान में हम 26 तारीख को इसी महीने में धरने पर बैठेंगे। फिर भी हमें ये आश्वासन दिया गया है कि तत्काल कार्रवाई शुरू की जा रही है। सड़कों को लेकर आपने एक मुद्दा उठाया, सड़कों के ताल्लुक से इनकी कुछ मीटिंग चल रही है, कुछ अतिक्रमण वगैरह का मामला है और रोड का काम ये करने की तैयारी में है, मगर अब तक तो 10 से 12 लोग मर चुके हैं अब इनका, क्योंकि भिवंडी में रोड एक ही तो नहीं है, सैकड़ों रोड है, तो ये कब तक बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा।